टिकैत। भाकियू नेता राकेश टिकैत ने किया बड़ा ऐलान, जल्द करेंगे बड़े आंदोलन की घोषणा। राकेश टिकैत ने कहा है संयुक्त मोर्चे के माध्यम से नए लोगों को जोड़ेंगे। तो राकेश टिकैत बिहार आए हुए हैं और ऐसे में भाकियू नेता ने अग्निपथ योजना के लिए सरकार को भी घेरा है। अग्निपथ योजना में देश के नौजवान का बुरा हाल होने वाला है। तो बड़ी खबर, बिहार में हो सकता है बड़ा आंदोलन, भाकियू नेता राकेश टिकैत का बड़ा बयान, जल्द करेंगे बड़े आंदोलन की घोषणा। तो राकेश टिकैत बिहार दौरे पर हैं, भाकियू नेता राकेश टिकैत। अब सभी को याद होगा कि किस तरह से देश में हुआ था किसान आंदोलन 2020 से, यह आंदोलन की शुरुआत हुई जो 2021 तक चली। और आपको यह भी बता दे कि इस किसान आंदोलन में कई किसानों की जानें भी गई हैं। और ये किसान आंदोलन इसलिए हुआ था क्योंकि सरकार ने जो सरकार ने जो किसानों के लिए 3 नए कानून लाए थे, उस कानून को बदलने की मांग कर रहे थे, उस कानून को नहीं लागू करने की ये मांग कर रहे थे। ऐसे में लगातार ये आंदोलन हुआ, बाद में सरकार ने उस कानून को वापस ले लिया था। और अब भाकियू के नेता राकेश टिकैत बिहार आए हैं और उन्होंने एक बार फिर से बड़े आंदोलन की घोषणा कर दी है। ऐसे ही बिहार में जो भी छोटे बड़े आंदोलन चल रहे हैं हम उनको इकट्ठा करेंगे, इकट्ठा करने के बाद में उनसे मीटिंग करेंगे, एक बड़े आंदोलन की घोषणा होगी क्योंकि बिहार के लोग पूरे देश भर में हैं। कई बार यहाँ पे आते रहे, छोटे बड़े प्रोग्राम होते रहे यहाँ पे। बिहार में कुछ लोगों को जिम्मेदारी दी थी तो वे पॉलिटिक्स से में ज्यादा वे लोग रहे, तो बिहार में अब संयुक्त मोर्चे के माध्यम से कुछ नए लोग निकले हैं, उनको जोड़कर एक मूवमेंट की शुरुआत करें। अभी अग्निपथ योजना आई, इसमें भी बहुत बुरा हाल देश के नौजवान का होगा। पॉलिटिकल आदमी सत्ता राशि जब तक वो जीतता है वो पॉलिटिक्स करता है, उसका कोई रिटायरमेंट नहीं है। लेकिन 22 और 23 24 साल का बच्चा जब रिटायर होकर घर आएगा तो क्या कहेगा? वो ठीक लगता है कि 24 साल का बच्चा है, उम्र 24 और 23 साल हुई और ये रिटायर हो गया। ये आंदोलन भी जो यूथ का आंदोलन है, ये भी जब रिटायरमेंट होना शुरू हो जाएंगे तो उसके बाद में एक बड़ा आंदोलन ये भी होगा। और भागलपुर में तिलका मांझी विश्वविद्यालय में छात्र राजद के कार्यकर्ताओं ने प्रशासनिक भवन के पास जमकर प्रदर्शन किया। छात्रों ने TMBU में स्थायी कुलपति की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। छात्रों का कहना है कि स्थायी कुलपति ना होने के कारण बीते 3 दिनों से विश्वविद्यालय के